राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही बवाल मच गया। उम्मीदवारों के चयन को लेकर कई जगह विरोध की आवाज उठने लगी है। सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए उतारना पार्टी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है। मंगलवार को जहां जयपुर की झोटवाड़ा सीट पर जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर के विरोध में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया, तो वहीं आज इस तरह का विरोध सांचौर में भी देखने को मिला। बीजेपी सांसद देवजी एम पटेल को सांचौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब विरोध होने लगा है। इसको लेकर सांचौर क्षेत्र में सांसद देवजी एम पटेल की गाड़ी पर पथराव और हाथापाई करने की खबर सामने आई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवजी को काले झंडे दिखाए, साथ ही नारेबाजी करते हुए काफिले पर हमले तक कर दिए, जिसके बाद देवजी पटेल सांचौर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। बता दें कि सांसद देवजी एम पटेल को टिकट मिलने के बाद लगातार विरोध जारी है। मंगलवार को भी भाजपा के दावेदार दानाराम के आवास पर भारी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए थे और देवजी पटेल को टिकट मिलने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था। साथ ही भाषणबाजी भी की गई थी, लेकिन आज देवजी एम पटेल के काफिले को काले झंडे दिखाए गए, साथ ही पत्थरबाजी और हाथापाई भी की गई। फिलहाल देवजी पटेल ने इस पूरे मामले को लेकर सांचौर पुलिस थाना में मामला दर्ज करा दिया है। जानकारी के अनुसार सांसद देवजी पटेल विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा दर्शन के लिए गए हुए थे। इस दौरान लौटते समय सामाजिक तत्वों ने उनको काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी रोककर पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें सांसद समेत काफिले की 3 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और सांसद के खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि देवजी पटेल का कहना है कि यह हमला कार्यकर्ताओं की ओर से नहीं बल्कि किसी और सामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है। इसको लेकर थाने में रिपोर्ट दे दी गई है। मैं पथमेड़ा गौ माता के दर्शन करके जब वापस आ रहा था, पीछे से एक गाड़ी ने हमारा पीछा किया और उसने मुखबिरी दी और आगे बड़सम चार रास्ता जो है, उस चार रास्ते पे कुछ असामाजिक तत्व खड़े थे, जिन्होंने, मैंने सोचा कि भाई इनको कुछ बात करनी होगी, तो मैंने उस गाड़ी को रोका भी, लेकिन जैसे मुझे अंदेशा लगा कि भाई ये हमला कर सकते, मैंने मेरे शीशा जो बंद किया, तो उन्होंने मेरे बोनट पे और मेरी हमने जब गाड़ी वहां से हटाई तो उन्होंने पीछे से कुछ लकड़ियों से या जो भी उनके पास में शस्त्र थे उनसे और पत्थरों से हमला करके गाड़ी के कांच शीशे फोड़ने का काम किया। जो सरासर ये असामाजिक तत्व थे और पार्टी के लोग हमारे जो है वो एक परिवार के लोग थे और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाजपा अनुशासन जरूर हम एक जो विरोध है उस विरोध को शब्दों में हम पेश जरूर करते हैं, बाकी ऐसी घटना ऐसी ओछी हरकत बीजेपी के लोग नहीं करते। बता दें कि बीजेपी ने 9 अक्टूबर को 41 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसमें जालौर सिरोही लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद देवजी एम पटेल को सांचौर विधानसभा सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर बीजेपी ने इस सीट से दावेदारी कर रहे दानाराम और जीवाराम के समर्थकों में काफी आक्रोश है और इसी के चलते मंगलवार को दानाराम के आवास पर बड़ी संख्या में समर्थकों ने सभा भी की थी और उसमें सांचौर से टिकट पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सांसद का विरोध भी जताया था। साथ ही कहा गया कि देवजी पटेल 15 सालों से सांसद हैं, इसके बावजूद कोई विकास नहीं कराया गया और उन्हें सांचौर से चुनावी मैदान में उतारना मंजूर नहीं है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह घोषणा प्रत्याशी का विरोध करते रहे तो बीजेपी को चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।